कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के दिमाग को छोड़कर उनका पूरा शरीर सामान्य रूप से काम करने लगा है। डॉक्टरों के मुताबिक दिमाग में संक्रमण भी खत्म हो गया है। वे अब उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें न्यूरो फिजियोथेरेपी देना शुरू कर दिया है और स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की एक टीम उनके शरीर का इलाज कर रही है। राजू की बेटी अंतरा ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर उनके ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होश में नहीं आ पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन वहां पहुंच जाए तो उन्हें होश में आने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के दिमाग में करीब 20 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, यही वजह है कि वो कोमा में है। राजू के परिवार के एक बेहद करीबी दोस्त ने कहा कि डॉक्टर उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अभी 15 दिनों से कोमा में है। डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उनके हाथ पैर में भी हलचल थी, हालांकि अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर उनके गले के जरिए उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। वे कुछ दिनों में वेंटिलेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार पहले एक घंटे के लिए वेंटिलेटर को एक बार हटाया जाता था, अब वेंटिलेटर सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया जा रहा है। उनके मुंह की जगह गले में एक ट्यूब से ऑक्सीजन दी जा रही है।